हेलो गाइस वेलकम टू एपेक्स माइंड्स तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर वन विच इज नंबर सिस्टम्स तो ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे और उन नंबर्स को किन बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं वो पढ़ेंगे तो हम नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट करते करते सिक्स टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे अप टू रियल नंबर्स सो विदाउट फर्दर ए डू लेट्स बिगेन सो so, जो फर्स्ट कैटेगरी है नंबर्स की वो है नेचुरल नंबर्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं तो सपोज आप काउंट करना स्टार्ट करें वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स आप इस काउंटिंग में इंक्लूड कर सकते हो वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं सेकेंडली होल नंबर्स जिनको हम डब्ल्यू से रिप्रजेंट करते हैं वो इंस्टेड ऑफ वन ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी जाते हैं तो अब आप काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ज़ीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स इस काउंटिंग में आएंगे अप टू इन्फिनिटी वो सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ इतना ही फर्क है कि होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूडेड होता है बेसिकली अगर आप नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड कर दोगे तो फिर होल नंबर्स का सेट आपको मिल जाएगा ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इंटीजर्स जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं z जो है एक जर्मन वर्ड जैलन से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है टू काउंट विच मीन्स काउंट करना तो अभी तक आप सिर्फ ज़ीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिव नंबर्स को ही इंक्लूड कर रहे थे अपनी काउंटिंग में लेकिन अगर आप नेगेटिव वन से सारे नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं किसमें सारे के सारे होल नंबर्स में तो आपको इंटीजर्स का सेट मिल जाएगा यहां पर जीरो जो है जीरो इज ना इधर पॉजिटिव नोर नेगेटिव जीरो ना ही पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता तो जीरो प्लस सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस सारे नेगेटिव नंबर्स जो आप काउंट कर सकते हो इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको इंटीजर्स का सेट मिल जाएगा तो ये थर्ड कैटेगरी ऑफ नंबर्स है नाउ जो फोर्थ कैटेगरी है नंबर्स की वो है रेशनल नंबर्स जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अब रेशनल नंबर्स आपको इन डेप्थ में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक रेशनल नंबर क्या होता है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि पी अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर P और Q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और Q कभी भी जीरो नहीं होता लिखा यहाँ पर इंटीजर, यानी जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो ऐसा इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होता आप किसी नंबर को जीरो से कैसे डिवाइड कर सकते हो इसीलिए सो बाई डेफिनेशन देट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू क्या है इंटीजर्स है और क्यू इज नैर इक्वल्स टू जीरो तो ये जो रेशनल वर्ड है ये रेशो से आया है रेशो का मतलब रेशो जो निकलता है वो फ्रैक्शन से ही निकलता है और क्यू जो है जो इस सिंबल है रेशनल नंबर्स का वो वर्ड क्वेश्चन से आया है ना अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो माइनस नाइन पॉइंट फाइव माइनस नाइन पॉइंट को हम माइनस नाइन अपॉन टेन बोल सकते हैं अगर आप माइनस नाइनटी फाइव को टेन से डिवाइड करोगे तो माइनस नाइन पॉइंट फाइव ही आएगा यहाँ पर हमने क्या किया इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है और अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा सिमिलरली माइनस सेवन जो है माइनस सेवन को माइनस सेवन अपॉन वन लिखा जा सकता है तो ये भी एक रेशनल नंबर है माइनस थ्री एंड हाफ माइनस थ्री पॉइंट फाइव को हम माइनस थर्टी फाइव अपॉन टेन बोल सकते हैं यहाँ पर ये देखो ये भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है सिमिलरली टू अपॉन थ्री फाइव अपॉइन टू फाइव अपॉइन वन ये तीनों भी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है अब यहाँ पर रूट फोर्टी नाइन है रूट फोर्टी नाइन यानी फोर्टी नाइन किसके स्क्वायर करने पर आता है सेवन के स्क्वायर करने पर आता है तो रूट फोर्टी नाइन क्या होगा सेवन और सेवन को हम सेवन अपॉन वन लिख सकते हैं ऐसे ही नाइन पॉइंट थ्री और यहाँ पर आपको डैश दिख रहा है इसको हम बार बोलते हैं इसका मतलब ये है नाइन डेसीमल थ्री जो है वो इनफाइनाइटली रिपीट होता जा रहा है ऐसी जो फॉर्म है रेशनल नंबर्स की वो आप अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल होते हैं तो आई होप यहाँ पे आपको रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल समझ आए होंगे। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ऐसे नंबर्स जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं लेकिन q जो है एक नॉन जीरो इंटीजर है यानी कि q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट वी हैव how many rational numbers are there so there are infinitely many rational numbers ye numbers jo hain infinite hote hain aur to aur agar aap koi do rational numbers le for example 1 4 and 3 4 देखो यहाँ पर दोनों ही fraction की form में है इसीलिए दोनों ही rational number है इन दोनों rational number के बीच में भी आप इनफाइनाइट rational numbers ढूंढ सकते हैं तो रेशनल नंबर्स तो होते ही इनफाइनाइट हैं बल्कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इन नंबर्स इन नंबर्स जो है वो पी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इेशनल नंबर्स जो है रेशनल नंबर्स का जस्ट अपोजिट होते हैं एक इेशनल नंबर वो होगा जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता

ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन कंसिडर करते थे या फिर आपको थ्री पॉइंट वन फोर कंसिडर करने को बोला जाता था लेकिन एक्चुअल में पाई एक इरेशनल नंबर है यानी कि उसे सिंपली फ्रैक्शन में नहीं बनाया जा सकता ये तो हम सिर्फ मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए पाई की वैल्यू क्या कर लेते हैं थ्री पॉइंट वन फोर ले लेते हैं लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू जो है वो ऐसे डिजिट्स जो है इनफाइनाइटली जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है कि पाई की क्या होती है एंड नाउ ऑन टू द ठीक है जिसके नाम से आप पढ़ते हो। right side, Hippicus, जो थे, यानी पाइथागोरस के प्रिंसिपल्स को इन्होंने स्टडी किया और मेजर डिस्कवरीज दी मैथमेटिक्स में हिप्पेस जो है उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम रूट टू एक रेशनल नंबर प्रूफ किया तो आप ये भी कह सकते हो कि इेशनल नंबर की जो डिस्कवरी है वो हिपिकस नाम के साइंटिस्ट ने की थी कैसे उन्होंने सबसे पहले ये बताया था फॉर द फर्स्ट टाइम कि रूट टू एक इेशनल नंबर होता है ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट वी हैव हाउ मेनी इेशनल नंबर्स आर एक्चुअली देयर तो जैसे रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं ऐसे ही इेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं और तो और अगर आप दो इेशनल नंबर्स लें फॉर एग्ज़ाम्पल रूट टू एंड रूट फाइव ये दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं यानी कि जैसे रेशनल नंबर्स थे दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स थे ऐसे ही दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं एंड लास्ट कैटेगरी रियल नंबर्स क्या होते हैं अगर आप रेशनल एंड इेशनल दोनों ही को ज्वाइन कर दे तो आपको नया सेट मिलता है रियल नंबर्स का तो राइट साइड पे वी हैव अगेन टू जर्मन मैथमेटिशियंस कैंटो जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये बताया कि नंबर लाइन जो आप पढ़ते हो जो कि इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट तक एक्सपेंड हो सकती है उस नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट सपोज ये जीरो है और हमने पॉइंट पॉइंट प्लॉट किया है, है हर एक सिंगल जो नंबर लाइन पर एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो यहां लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर अब नंबर लाइन पर तो आप इनफाइनाइट पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो इसीलिए रियल नंबर्स भी कितने होंगे इनफाइनाइट ही होंगे यही रीजन है कि हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो आप सोच सको और वो एक रियल नंबर ना हो ठीक है तो जितने भी टोटल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब के सेट को हम रियल नंबर्स बोलते हैं तो आई होप आपको समझ आया होगा अगर समझ नहीं आया तो एक और बार हम समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट करते नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि वन से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी जाते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ ही इतना ही फर्क है कि होल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड होता है नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें इंटीजर्स की तो इंटीजर्स में जीरो से लेकर इंफिनिटी तक तो होते ही हैं प्लस उसमें नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी हम कंसीडर करते हैं तो जीरो जो कि ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड सारे नेगेटिव नंबर्स इन सब के कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स बोलते हैं अब इन्हीं इंटीजर्स में अगर आप सारे फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर लो जैसे कि थ्री पॉइंट फाइव माइनस फाइव अपोन एट एंड सोन इन्फाइनाइट फ्रैक्शन को और इंक्लूड कर लो तो रेशनल नंबर का आपको सेट मिलता है ठीक है जिसको हमने यहाँ पर ब्लू सर्कल से रिप्रेजेंट किया है अब ब्लू सर्कल से ही जस्ट हटके थोड़ा सा एक पिंक सर्कल है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते ऐसे नंबर्स इेशनल नंबर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट टेन रूट थ्री पाई एटसेट्रा ये दोनों सर्कल्स क्यों अलग अलग हमने बनाए हैं क्योंकि रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं होती इसीलिए अब आप रेशनल और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास एक अल्टीमेट सेट मिलता है हमें नंबर्स का जिन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स वो नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी नंबर पिक कर लें वो रियल नंबर में ही आएगा ठीक है तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा तो फाइनली ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, वो यहां खत्म होती है नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रेशनल एंड नंबर्स को हम डेसिमल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग आई विल सी इन द नेक्स्ट वन